दोस्तों, केदारनाथ के रहस्यों के बारे में कौन नहीं जानते होंगे। चाहे यह रहस्य कभी न बुझने वाले रहस्यमय दीपक का हो या चाहे ये रहस्य शिवलिंग की स्थापना की हो, लेकिन आज के इस वीडियो में हम केदारनाथ के रहस्यों के बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज हम बात करेंगे उन रहस्यमय साधु की जो केदारनाथ के कपाट बंद होते ही दूसरे दुनिया से आते हैं। इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अद्भुत भारत दर्शन यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। केदारनाथ धाम के बारे में हम ये तो जानते हैं कि भाई दूज के दिन इस मंदिर के कपाट पूरे 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर बंद होने के पहले यहाँ पर एक दीपक जलाया जाता है और उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ इस मंदिर में ताले लगा दिए जाते हैं। पूरे 6 महीने तक यहाँ इतनी बर्फ पड़ती है कि यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन 6 महीनों में मंदिर बंद होने के बावजूद भी यहाँ जो दीपक जलाया जाता है वह भी 6 महीने तक निरंतर जलती रहती है। मंदिर के अंदर से घंटी घड़ियां और डमरू की आवाजें आती है। आखिर यह दीपक 6 महीने तक कैसे जलता रहता है? आखिर जब इस मंदिर का ताला बंद रहता है तो अंदर से घंटे घड़ियाल और डमरू की आवाजें कैसे आती है? आखिर क्या कहते हैं यहाँ के स्थानीय लोग और पुराणों में इसके बारे में क्या कहा गया है? कहते हैं कि महाभारत काल में केदारनाथ का निर्माण हुआ था और इसे पांडवों के द्वारा किया गया था। उसके बाद समय समय पर यहाँ पर कई प्राकृतिक आपदाएं आईं, लेकिन मंदिर हमेशा सुरक्षित रहा। यहाँ तक कि एक समय में तो मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। 2013 में आई भीषण आपदा में केदारनाथ के पीछे चमत्कारी रूप से भीमशिला आ गई, जिससे मंदिर की सुरक्षा हुई। जब आप केदारनाथ धाम जाएंगे तो देखेंगे कि मंदिर का निर्माण भूरे रंग के विशाल पत्थरों, चट्टानों व शिलाखंडों से किया गया है। इनको जोड़ने के लिए आपस में इंटरलॉकिंग की गई है। अब रहस्य की बात ही है कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर इन पत्थरों व शिलाखंडों को कैसे पहुंचाया गया होगा, साथ ही इन्हें कैसे एक के ऊपर एक रखकर मंदिर का निर्माण किया गया। केदारनाथ मंदिर का ऐसा भव्य निर्माण आज के समय में केवल परिकल्पना ही की जा सकती है। पांडवों के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था। इसके बाद उन्होंने इस मंदिर के पीछे समाधि ले ली थी, जो आज तक वहां पर है। इसके बाद 10वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच कई भारतीय राजाओं द्वारा निर्माण करवाया गया, जिससे इसका जीर्णोद्धार हुआ था। वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय के द्वारा किए गए शोध में यह बात सामने आई थी कि 13वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक ये क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ से ढक गया था। तब लगभग 400 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से ही से ढका रहा था। इस कारण भी मंदिर को कोई क्षति नहीं हुई थी। इसके प्रमाण आज भी मंदिर की दीवारों पर देखने को मिल जाते हैं। केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध भैरव जी का मंदिर स्थित है। इससे इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, जो इस मंदिर की सुरक्षा करते हैं। सर्दियों के महीने में दीपावली के अगले दिन से केदारनाथ मंदिर के कपाट भीषण बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं और उसके 6 माह के बाद अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। और इसी समय के बीच कुछ ऐसा होता है जो आज के विज्ञान जगत की सोच और समझ से भी परे है। दीपावली के बाद यहां पर भीषण बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता है, जिस कारण केदारनाथ भगवान के प्रतीकात्मक रूप को नीचे ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इन 6 महीने में वहां के स्थानीय नागरिक भी वहां नहीं रह पाते, बस कुछ साधु संन्यासी और कुछ स्थानीय लोगों को छोड़कर। इस कारण वहां से सभी श्रद्धालु, भक्तगण, स्थानीय नागरिक, दुकान वाले, उत्तराखंड सरकार के अधिकारी सभी नीचे आ जाते हैं। 6 महीने तक यह स्थल एकदम सुनसान रहता है। वहां केदारनाथ धाम जाने का सभी मार्ग भी बंद हो जाता है। कहते हैं कि जब यहां मंदिर और उसके आसपास के इलाके सुनसान हो जाते हैं, तब इस मंदिर के अंदर से रोजाना घंटी
डमरू और घड़ियाल की आवाजें सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि अंदर कोई है जो महादेव की पूजा अर्चना करता है। पुराण के अनुसार जब मनुष्य इस स्थान को छोड़कर नीचे चले जाते हैं तब देवताओं के हाथों में इस मंदिर की पूजा पाठ का जिम्मा होता है। वे नित्य रोजाना इस मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर में कुछ रहस्यमय साधु आते हैं जो अपने सूक्ष्म शरीर से इस मंदिर में प्रवेश करते हैं और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। इन 6 महीनों में अगर इस मंदिर की सुरक्षा की बात करें तो इसकी पूरी जिम्मेदारी श्री भैरवनाथ जी संभालते हैं। जो भी भक्त गण केदारनाथ मंदिर के दर्शन हेतु आते हैं उन्हें पहले श्री भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा केदारनाथ मंदिर की यात्रा विफल मानी जाती है। जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा 6 महीने के बाद केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं तब भी वहां पर अखंड ज्योत जलती हुई मिलती है। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि कल ही यहाँ किसी ने पूजा की थी। 6 महीने तक मंदिर बंद रहने के पश्चात भी ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर की अच्छे से साफ सफाई की गई। इस दिव्य ज्योति का दर्शन बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है जिस कारण इसके दर्शन के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पर आते हैं। केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित इस कुंड में केदारनाथ के अभिषेक का जल रहता है। कहा जाता है कि ये जल अमृत के समान है। यही कारण है कि यहां पर आने वाले श्रद्धालु इस अमृतमय जल को पीते हैं। मान्यता है कि इस जल से लोगों की त्वचा संबंधी बीमारियां भी दूर हो जाती है। सनातन धर्म में इस अमृत कुंड के जल को गंगा जल जैसा पवित्र बताया गया है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? केदारनाथ धाम के अंदर होने वाली इस रहस्यमय पूजा पाठ के बारे में क्या? इन 6 महीनों में देवताओं द्वारा इस मंदिर में पूजा पाठ की जाती है या यहाँ रहने वाले सूक्ष्म शरीरधारी साधु संन्यासी इस मंदिर के अंदर पूजा पाठ करते हैं? आपका क्या कहना इसके बारे में? अपने सभी जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखेंगे। दोस्तों, यहां तक आने का पूरा पता और भी कई जानकारियां केदारनाथ धाम के बारे में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेंशन कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।